क्यों उदास सा लगता है ये आसमां और ये सरजमीन? क्योंकि हम दोनों के पास पड़ चुका है ये कंटेंट का कमी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं शिक्षा साहिब और आपका स्वागत है हमारे चैनल समीम ब्लॉगर में कन्वर्ट के साथ। यही पुराना वाला जो इंटरव्यू था, बहुत दिनों से मैंने दिया नहीं, तो आज पड़ चुका है हमारे पास कंटेंट का कमी, इसलिए हम निकल चुके हैं कंटेंट का खोज में। गाइस अभी शाम का वक्त है, हम और समीम भाई निकल चुके हैं अपनी होम टाउन धानपुरी में। जाएंगे वहाँ पे, चाय वगैरह पियेंगे और बाकी का वीडियो में क्या होगा आज कुछ नहीं पता। कोई कंटेंट नहीं है हमारे पास यार, आप लोग बताते नहीं हो कमेंट में कि क्या वीडियो बनाना है, इसलिए यही देखना पड़ेगा। देखना वीडियो को एंड तक, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल बनाया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज अभी हम आ चुके हैं डानकुनी ब्रिज के नीचे और यहाँ पे काफी सारी स्ट्रीट फूड की दुकानें हैं, जैसे कि झालमुड़ी, फुचका और चाय वगैरह की। बहुत अच्छी अच्छी दुकानें, बहुत टेस्टी है, मैंने पहले भी खाया है, तो आज आप लोगों को यही दिखाऊंगा, यही है वीडियो का कंटेंट। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपने ही डानकुनी इलाका में एक बहुत ही फेमस झालमुड़ी की दुकान पर, जहाँ पे काफी तरह के फ्लेवर के झालमुड़ी मिलते हैं। समझ सकते हैं, पहली बार सुना होगा। तो देख सकते हैं पीछे कितने तरीके के नमकीन वगैरह रखे गए हैं, तो सारा कुछ दिया जाता है झालमुड़ी में। और इसका प्राइस सिर्फ कितना रुपया है भैया? 10 रुपया, सिर्फ 10 रुपया में खाइए मजेदार झालमुड़ी। और यहाँ पे साथ में घुगनी वगैरह सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे एक अंकल खा रहे हैं, इनसे पूछिए कि झालमुड़ी कैसे लग रहा है। अंकल झालमुड़ी कैसे लग रहा है? अच्छा है, एक नंबर। सो फाइनली गाइज हम लोगों ने ले लिया है डानकुनी का फेमस स्ट्रीट फूड झालमुड़ी। तो देख सकते हैं इसके ऊपर जो नमकीन की काफ़ी सारी लेयर हैं, तो इतना अच्छा तो मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं मिलता होगा, और भी वो भी सिर्फ 10 रुपये में। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं और आप लोगों को इसका टेस्ट जाएगा कि कैसा है, ठीक है? हो गाइज पूरा अंदर तक जो है हर जगह जो है नमकीन दिया गया है, देख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप मानेंगे या नहीं पता, बट इससे बेहतर झालमुड़ी मैंने कभी नहीं खाया, दिल से बता रहा हूँ। आप लोगों ने इतने सारे जो नमकीन देखे सारा उसमें डाला गया है, समझ सकते हैं ना उसका टेस्ट कैसा हो सकता है। कच्चा चना, उसके बाद उबला हुआ चना, सारा कुछ, तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही बेहतरीन है। मैं तो सही से रिव्यू दे नहीं पाता हूँ समीम भाई की तरह। समीम भाई जो घुगनी टेस्ट करके बताएंगे, अभी तो मैं झालमुड़ी खा लेता हूँ यार। क्या बात है, मुझसे नहीं होगा। गाइस कॉन्टेंट तो मिल गया, साहिब झालमुड़ी का रिव्यू भी दे दिया, तो मैं झालमुड़ी नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा घुगनी। अरे जो घुगनी भैया ने जो दिया ना, देखिए घुगनी दिख ही नहीं रहा है, ऊपर में जो चीज सब डाला ना, वो वाह 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 वाह, उसका टेस्ट बता रहा हूँ। ओह देख के ही मुंह में पानी आ गया भाई, थोड़ा सा गर्म है। मुझसे कुछ शब्द नहीं निकल रहा है भाई, आज जो बना दिया भैया ने, ओह माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग गाइस, माइंड ब्लोइंग। एक बार इधर आइए डानकुनी में, खा के देखिए, आपका भाई समीम भाई बोल रहा है, खा के देखिए। आराम से आप खा जाऊंगा, इतना बढ़िया लगा आज मेरे को।
पूरा खाली कर दूंगा, मजाक कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं रखूंगा। भी थोड़ा खा ले। कैसा लगा बता? पेट नंबर झूठ नहीं बताया ना मैंने? नहीं, मजा आ गया।